करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। इंदौर दुनिया का वो शहर, देश का वो चुनिंदा और पसंदीदा शहर जिसने स्वच्छता के शिखर को छूकर दिखाया है, और इंदौर उस तासीर वाला शहर जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दौर बताते हैं, और अब नया नाम इंदौर को मिला है, वाइब्रेंट इंदौर। ये सब कुछ हुआ है इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कड़ी मेहनत और इंदौर के डायनामिक और स्मार्ट मेयर पुष्यमित्र भार्गव की कार्यशैली के चलते। आज एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में पुष्यमित्र भार्गव के दिल की बात भी जानेंगे, और आने वाले कल में इंदौर कौन सी नई उड़ान भरने वाला है वो जानने समझने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी का स्वागत है। स्वागत है बहुत बहुत यहाँ पर भार्गव जी आपका। हर बार की तरह एमपी न्यूज के तमाम सवालों पर बेबाक राय भी रखेंगे, और शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंटरनेशनल इवेंट जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है। जी हाँ, ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं G20 कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में श्रम कानून और रोजगार के मामलों में भारत एक नई उड़ान भर सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बेहद ही संजीदा भाषण भी पूरे देश और दुनिया ने सुना है। पहला श्रेय इंदौर नगर निगम को इसलिए जाता है क्योंकि पूरा मैनेजमेंट G20 का दारोमदार कंधों पर था इंदौर नगर निगम के और प्रथम नागरिक महापौर जी के। आइए शुरुआत करते हैं, कितनी मेहनत हुई है और क्या इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले कल में हमारे शहर को मिलने वाले हैं। महापौर जी, G20 की सफलता की आपको बहुत सारी बधाई। हमने देखा कि आपने 56 को भी सजा दिया, पूरा शहर भी सजा संवरा, एकदम नया नवेला शहर नजर आने लगा है। बारिश के बावजूद रौनक बरकरार है, G20 के मेहमानों की आवभगत भी हुई है। किस तरह से आप इसका श्रेय आपकी टीम को देते हैं, पूरे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को? नहीं, हमारी टीम से ज़्यादा जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं पहली बार, या भारत G20 की जब अध्यक्षता कर रहा है, जी तो पूरी दुनिया में जिस प्रकार से G20 की मीटिंग्स का, उसकी कॉन्फ्रेंसेस का होना जी भारत में हो रहा है, वैसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल, वो जो वाइब्रेंट इंडिया पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है, जो माननीय मोदी जी का उद्देश्य भी था कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत कहाँ है वो दुनिया के लोग आकर देखें जी। और उस कड़ी में पहले एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी इंदौर में हुई जी। और जी। हमारा सौभाग्य रहा कि अब इस लेबर और एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई उसमें G20 के प्रतिनिधि, एस्पायरिंग कंट्रीज के भी कई सारे प्रतिनिधि, कई सारे स्टेक होल्डर्स, कई सारे एनजीओस, कई सारे लेबर ऑर्गेनाइजेशंस इंदौर में आए, उनका स्वागत करने का हमको अवसर मिला। और वैसे भी G20 के जो दो भाव हैं, वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भाव, उस भाव से इंदौर उनको भारत का वाइब्रेंट शहर, भारत का तेजी से ग्लोबल मॉडल पर स्थापित होता शहर देखने को मिला, और उसको हम अच्छे से दिखा पाए, सारी चीज़ों को ठीक से कर पाए, उसमें श्रेय इंदौर की जनता का है। क्योंकि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन यहाँ होता है जी, तो जिस भाव से, जिस संवेदना से इंदौर के लोग लोगों का स्वागत करते हैं, वो एक वाइब्रेंट मैसेज है। और शायद उसी को पढ़कर, उसी को देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले इंदौर को एक दौर कहा और अब एक वाइब्रेंट शहर भी कहा। बड़ी बात है, और ये मुझे लगता है एक सौभाग्य का सूचक भी है, क्योंकि कहा जाता है कि नेतृत्व यदि दूरदृष्टि और पक्का इरादे वाला हो तो जरूर जो शहर है वो उड़ान भी भरता है, और वैश्विक छवि जो है अब इंदौर की किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि स्वच्छता के बाद हम लगातार अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भी इंदौर एक अमिट छाप पूरी दुनिया पर छोड़ता नजर आ रहा है। महापौर जी, आगे बढ़ते हैं, तकरीबन एक साल पूरा हो गया आपका, चुनाव जीतने के बाद जो तमाम वादे और इरादे थे उस दिशा में अब आप आगे भी बढ़ रहे हैं। एक बहुत पहलू हम देख रहे हैं जिस पर बहुत बात हो रही है, प्रदेश की सरकार कह रही है सीखो कमाओ, और इंदौर नगर निगम कह रही है कि इंटर्नशिप विद मेयर। कैसे आप इसको कोरिलेट करते हैं, और क्या वाकई में आने वाले कल में ये जो सबसे बड़ी जटिल एक समस्या बन गई है बेरोजगारी, इसको दूर करने की दिशा में इंटर्नशिप विद मेयर और सीखो कमाओ, इन दोनों का कोलैबोरेशन बहुत रंग लाने वाला है? नहीं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से जी। जब मैं महापौर बनने के बाद पहली बार मिलने गया जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से नई दिशा मिले जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक बात। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि इंदौर नगर निगम जो देश की
सबसे स्वच्छ शहर को बनाने वाली नगर निगम है, जिसका BRTS का मॉडल हो, स्मार्ट सिटी का मॉडल हो, देश भर में प्रेजेंटेबल है। बिल्कुल। तो यहाँ जो काम हो रहे हैं वो इंदौर शहर के लोगों को पास से अनुभव करने का मौका मिले, और केवल अनुभव करने का मौका नहीं मिले, उसमें से कुछ सीखने का भी मौका मिले। ठीक बात। तो हमने एक यूनिक प्रोग्राम शुरू किया मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, इंटर्नशिप विद मेयर। जी जी। कि मेयर के साथ आप जितने हमारे 42 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें रहें, सीखें और सुझाव दें। आपको जानकर खुशी होगी कि उस इंटर्नशिप विद मेयर में जो स्वच्छता की मेयर टास्क फोर्स थी, बिल्कुल, तो वो बच्चे दिन भर शहर में घूमते थे, जहाँ कहीं गंदगी दिखती थी, डिफरेंट पैरामीटर्स होते थे, उसकी फोटो हमको भेजते थे, हम उसको ठीक कराते थे। स्मार्ट सिटी में जिन बच्चों ने काम किया उन्होंने स्मार्ट बीन्स बनाने का काम किया, सेग्रीगेशन कैसे और स्मार्टली हो उसके कई सारे सुझाव दिए। AICTSL में जो बच्चे रहे उन्होंने रूट मैपिंग का काम किया, अब नई बैच भी इसमें आई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन बहुत आगे का है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सरकार के काम को सीखें, देखें और अपना स्वरोजगार की दृष्टि से उनको इनकम भी हो। जी, जी। तो ये इंटर्नशिप का उनका जो आइडिया है वो बहुत बड़े लेवल का है, और उसमें कमाने की भी गुंजाइश है, और अच्छा काम करने वालों को वहां मुझे लगता है एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। ठीक बात। तो वो तो समय की आवश्यकता है। तो क्या मानते हैं आने वाले दिनों में युवाओं को उड़ान भरने का एक मौका इंदौर नगर निगम भी देगा, क्योंकि मुझे लगता है स्किल्ड मैन पावर की कमी इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दिनों से जूझ भी रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार से स्किल्ड लेबर की सब्जेक्ट ओरिएंटेशन के साथ काम करने वाले लोगों की जी एक या दूसरे किसी कारण से कमी है, तो इनको एक नए तरीके से सिस्टम में लाया जा सकता है। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल ये प्रस्ताव है, लेकिन यदि आने वाले दिनों में क्रियान्वित होता है तो इंदौर के युवाओं के लिए जो है कई रोजगार के द्वार खुल सकते हैं इंदौर नगर निगम, और खासतौर पर प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गव जी ऐसे संकेत दे रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं, पिछले दिनों हमने बहुत नारा सुन लिया कि इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है, हम लगातार जो है स्वच्छता के ऐसे उच्चतम शिखर पर पहुंच गए, वहां पर विराजमान है जहां से पूरी दुनिया इंदौर की ऊंचाई को देख रही है। लेकिन एक और यहां पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने कसम खाई है, वो कसम है इंदौर को हरियाली के मामले में नंबर वन बनाने की, और इसकी शुरुआत उन्होंने की है हरियाली अमावस से। किस तरह से इंदौर की जनता का इसमें पार्टिसिपेशन वो तय कर पा रहे हैं, और आने वाले दिनों में चूंकि ये बारिश का मौसम है तो क्या इस चुनौती को इंदौर पूरी तरह से पार करने के लिए तैयार है, क्योंकि पहला चैलेंज इंदौर के स्मार्ट मेयर ने दिया था और तमाम ऑफिशियल्स ने उसमें हिस्सा भी लिया है। इंदौर की जनता की सहभागिता कैसे आप महापौर जी देख रहे हैं, और क्या ये सपना साकार होगा कि हम ग्रीनरी में भी नंबर वन सिटी बन पाएंगे? देखिए, स्वच्छता में हम नंबर वन हैं जी, लेकिन इंदौर का जो ग्रीन कवर है, जो हमारी हरियाली है जी, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आज से 15-20 साल पहले जिन लोगों ने विजन लेके पौधारोपण किया होगा तो वो सब आज वृक्ष हैं। तो इस ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए एक लंबी प्लानिंग के साथ जी, इस संकल्प के साथ कि ये पौधे जो हैं वृक्ष बने, हम सबको इसमें जुटना होगा। इसलिए इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक दो जिम्मेदारियां लेते हुए इस काम को हमने आगे बढ़ाया है जी। व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मैं खुद पौधे लगाऊं, उनकी देखभाल करूं और उनको वृक्ष बनाऊं। बिल्कुल। इसलिए मैंने खुद ने 5 पौधे लगाए और अपने 5 इष्ट मित्रों को, शहर के इन्फ्लुएंसर्स को, प्रभावी लोगों को भी चैलेंज दिया कि आप भी 5 पौधे लगाएं और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। तो अभी एक शहर में चेन बनाकर लोग पौधे लगाने का काम कर रहे हैं सामूहिक रूप से। ये सही समय है बारिश का, जब हम पौधे लगा लें। तो 1,00,000 पौधे लगाने का संकल्प हमने पूरा किया। उसमें शहर की तमाम संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल्स, NGO, पत्रकार बंधु जी, जी। सारे अधिकारी, सारी एसोसिएशन, सारे इंस्टीट्यूशंस ने सहभागिता की। अब हमने उनसे आग्रह किया है कि वो अपने लेवल पे ऐसा सामूहिक प्रयास करते रहें। तो वो अभी शहर में होता हुआ दिख रहा है। पर हम इन 1,00,000 पौधों में से यदि 25,000 को भी वृक्ष बना पाए और 4-5 साल में 1,00,000 वृक्ष शहर को दे पाए, तो मुझे लगता है कि ये ग्रीन कवर डबल हो जाएगा, क्योंकि आने वाली सारी चुनौतियां क्लाइमेट चेंज की केवल पेड़ लगाने से ही ठीक हो सकती है। बड़ी बात है। पॉल्यूशन से भी जो है हमारा शहर 2-4 होता है, और यदि ग्रीनरी का लेवल बढ़ता है तो जरूर हम इस तरह की चुनौतियों से, ग्लोबल वार्मिंग जैसी तमाम समस्याओं से निपट पाएंगे, ऐसी कुछ परिकल्पना इंदौर नगर निगम की भी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं महापौर जी, हमने तमाम बात की, राजनीतिक बात भी करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि आप एक राजनेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से आते हैं जिसकी प्रदेश में सरकार है।
विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, क्या तैयारी आपकी पार्टी की है और क्या दावा होगा आपका व्यक्तिगत तौर पर? 230 विधानसभा सीटों में क्या खेल रचा जाने वाला है, कितनी रणनीति पुख्ता है संगठनात्मक तौर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी, और इसका कार्यकर्ता हमेशा प्रण प्राण से तैयार रहता है। और इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जी, जो युवाओं का, शासकीय कर्मचारियों का, महिलाओं का जी, स्वाभिमान से काम करने का मन बना है, उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है जी, और उसको पूरे प्रदेश में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हों, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हों, नरेंद्र सिंह जी तोमर हों, प्रहलाद पटेल जी हों, ज्योतिराज सिंधिया जी हों, इन्होंने उस मैसेज को नीचे तक उतारने का काम किया है। इसलिए अभी चुनाव की तैयारी की दृष्टि से जी, पूरा कार्यकर्ता और समाज चार्ज्ड है कि भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश में एकमात्र विकल्प है। हाल ही में प्रियंका गांधी आई थी, ग्वालियर गई थी, और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, और उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं जो कि सीधे जनता से सरोकार रखते हैं। क्या ये चुनौतियां नहीं खड़ी करेंगे सीधे तौर पर आपकी पार्टी के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए? मैं उनको दावा करता हूं, उनको चुनौती देता हूं कि मध्य प्रदेश में उनके जितने आरोप हैं जी, वो आधारहीन हैं, बल्कि उन्हीं सब योजनाओं से जुड़े हुए काम जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार है, उसमें जो कमियां हैं, उनकी तरफ भी वो बात करके बताएं। मतलब आप सीधा चैलेंज प्रियंका गांधी को दे रहे हैं? निश्चित तौर पे जी, कि राजस्थान की सरकार ने चाहे महिलाओं के विषय में हो, युवाओं के रोजगार के विषय में हो, या शहरों को विकसित करने के लिए अमृत की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी, तो उन दो राज्यों के बारे में भी तो वो बोले। चलिए, बड़ा सवाल है। बहरहाल यहाँ पर राजनीति है और इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता है, और मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर चुनाव की घड़ी जब तक बहुत करीब नहीं आ जाती, निर्णायक मोड़ नहीं आ जाता, तब तक इस तरह की बयानबाजी जरूर जनता जनार्दन के सामने आती रहती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक पुराना जमाना था पुष्यमित्र जी, जब भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता था कि जो भी कुछ होगा वो ताई या भाई तय करेंगे, और इंदौर में तो और मालवा निमाड़ में तो ये बड़ा मशहूर सा रहा है। लेकिन अब ये पुराने दौर की बात हो गई, अब तो ऐसा लगता है कि इंदौर में भैया क्या कहेंगे वो भी तय होगा, और भैया जो कहेंगे वैसी ही निगम की सरकार चलेगी। तो क्या ये माना जाए कि नगर निगम में भी अब भैया की सरकार काबिज हो गई है, क्योंकि उन्होंने पुराना दौर देखा जब भाई महापौर थे और अब भैया महापौर है? मैं तो एक बात समझ पाया और सीख पाया हूँ भारतीय जनता पार्टी में जी, कि यहाँ जो भी करता है वो भाजपा ही करता है, कोई भैया या कोई भाई या ताई नहीं है, आप मानते हैं सिर्फ भाजपा ही है। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर ये सूझबूझ के साथ एक वकील के अंदाज में जो है जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है पैरवी भी कर रहे हैं अपनी पार्टी की, और जनता जनार्दन के सामने आईना भी प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि पूर्व के समय में हमने आपको काला कोट पहने वकालत की दुनिया में एक बड़ा नाम, एक बड़े सितारे के तौर पर देखा है, और अब आपको हम कुर्ते के साथ, इस जैकेट के साथ देख रहे हैं, प्रथम नागरिक की भूमिका में है, हर मामले में आपको प्रथम रहना है। क्या अंतर आप पाते हैं वकालत की दुनिया में और इस सियासी दुनिया में, जनसेवा के माध्यम में 24 घंटे सातों दिन जनता के साथ जुड़े हैं? नहीं, इंदौर में भारतीय जनता पार्टी से, नए लोगों से जी, इस शहर के नागरिकों को बहुत अपेक्षाएं हैं जी, और उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना ही सबसे बड़ी चुनौती है एक। दूसरा, जिस प्रकार से शहर आगे बढ़ रहा है, शहर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहा है जी, उसको उस लय से, ताल से मिलाकर आगे चलना एक बड़ी चुनौती है। हर व्यक्ति के लिए हर चीज का एक्सपर्ट होना संभव नहीं है, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज के लोगों को साथ लेकर सही निर्णय पर हम आगे चलते रहें। भाजपा के जो सुशासन का संकल्प है, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा है, उस आधार से अंतिम पंक्ति के आदमी तक भी विकास पहुंच जाए, ये चुनौती है। मैं ये मानता हूं कि ये चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। जैसे उदाहरण के लिए हमने इंदौर में जी, हर घर सोलर का नया संकल्प लिया, ठीक बात है, मुख्यमंत्री जन सेवाएं जो हैं जिनको घर घर तक पहुंचाने के लिए जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय विभाग है जिसके माध्यम से सब योजनाएं लोगों तक जाती हैं, तो इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में उसमें आगे है जी। इंदौर को सोलर सिटी बनाने में विजन डॉक्यूमेंट लेके आने वाला शहर इंदौर है। डिजिटल बनाने में भी हम धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं।
ट्रैफिक की दृष्टि से भी नए तरीके से स्मार्ट तरीके से शहर का ट्रैफिक मैनेज हो, उस और भी हमने कदम बढ़ाए हैं। तो इन सबको इम्प्लीमेंट करना जरूर एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से नई चीजें आती हैं उनका एक्सेप्टेंस लोगों के बीच लाना या अवेयरनेस से और इन्फॉर्मेशन से आता है। आपने कहा था महापौर बनने के बाद निगम सम्मेलन में कि यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं होगा, जो भी होगा वो सहयोगी पक्ष होगा, तो वो सहयोगी पक्ष कितना सहयोग कर पा रहा है महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी का? देखिए, मैंने बहुत अच्छे और बड़े मन से कहा था कि ना पक्ष होगा ना विपक्ष होगा, इंदौर में सहयोगी पक्ष होगा। जी बिल्कुल सही बात है। और मुझे आपको बताते हुए इस बात की खुशी है कि मैंने उसको शब्दशः पालन करने की भी कोशिश की। जब स्वच्छता को लेकर समग्र पार्षदों को मिलाकर इंफॉर्मेशन और आईसी एक्टिविटी की, तो कांग्रेस को भी वो टारगेट दिए और भाजपा के पार्षदों को भी दिए। उसी में कुछ पार्षदों ने काम भी किया, लेकिन जब उनको सम्मान लेने की बात आई तो उन्होंने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। कांग्रेस के पार्षदों को हम सम्मान देने वाले थे कि आपने अपने वार्ड में कुछ अच्छा किया है, हमारी नगर निगम की टीम के साथ मिलकर अच्छा किया है, उस कार्यक्रम से वो दूर थे, अपॉर्चुनिटी खो रहे थे, मतलब खुद खो रहे थे, तो वो सहयोगी पक्ष बनना नहीं चाहते। आपका पुतला भी जलाते हैं तो कभी गुस्सा नहीं आता है कि नगर निगम में आकर के जो है जब सहयोगी पक्ष जैसी बात चल रही हो और ऐसे में पुतले जलाने की राजनीति हो रही हो? देखिए, कल हाईकोर्ट ने पटवारी परीक्षा को लेकर एक जनहित याचिका जो लगाई गई थी उसको निरस्त किया, और वो इस कारण से निरस्त की कि हमारे पास आने के पहले आप कम से कम सरकार को कोई अभ्यावेदन देते, रिप्रेजेंटेशन देते, उसमें क्या कमियां हैं वो आप बताते। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो उसके पहले ही हाईकोर्ट जज से उसकी जांच करवाने का कह चुके थे, तो इस निष्पक्ष भाव से प्रधान मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो ये समझ का फेर है, ये समझ अगर होती तो पुतला जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और शहर हित में जो सर्वहितेशी बजट हमने बनाया था उसमें वो गलती निकाल नहीं पाते। बजट की बात आपने निकाली है, ऐसा माना जाता है कि इंदौर नगर निगम की माली हालत बहुत खराब है, खजाना खाली है, क्योंकि आपने जब कुर्सी संभाली तो चुनौतियों का अंबार आपके सामने खड़ा था, कैसे इसको कर पाएंगे? क्योंकि कहा जाता है कि एक अच्छा मैनेजर भी होता है एक अच्छा एडवोकेट, और आप तो एडवोकेट जनरल रहे हैं, तो कैसे मैनेजमेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं इसके लिए? देखिए, फिनेंस जो है वो हमेशा हर संस्था के लिए एक चुनौती होता है। हमको भी कई सारे लोगों की देनदारी देनी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन उससे पार पाने के बहुत तरीके हैं। जैसे हम ग्रीन बॉन्ड्स लेकर आए, बिल्कुल ठीक है, मेरा अगला सवाल वही था कि क्या ग्रीन बॉन्ड 2 आने वाला है? ग्रीन बॉन्ड्स लेकर आए हैं जी, जो कि देश की कोई अर्बन लोकल बॉडी पहली बार लेकर आई है। ठीक बात है। इसके अलावा हम अपने नए प्लांट्स में नए मार्केट्स बनाने वाले हैं, जैसे उदाहरण के लिए वल्लभ नगर में जो जगह है वहाँ हम नया मार्केट और एक रेसिडेंशियल विंग के साथ आने वाले हैं। ओके। रीजनल पार्क को हम प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं। ओके। तो ये ऐसे नए पीपीपी मॉडल के इनोवेशन जो हैं वो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट भी कराएंगे और हमारी फाइनेंशियल स्थिति को ठीक भी करेंगे। बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, आपकी सेना कैसा काम कर रही है, आपकी MIC कैसा काम कर रही है, क्योंकि महापौर को तो हम देखते हैं दिन रात एक्टिव है, MIC का रिपोर्ट कार्ड क्या बन रहा है एक साल बाद? हमारी MIC भी उतनी ही एक्टिव है, और अगर आप देखेंगे तो हर MIC के विभाग के लोग लगातार उनके काम को फॉलो भी कर रहे हैं और उसके एग्जीक्यूशन में मेरी मदद भी करते हैं। अफसरों की सेना के क्या हाल है? अफसरों को लेकर अगर आप देखेंगे तो मुझसे आने के पहले जो हमारी कमिश्नर थी प्रतिभा पाल जी, उनकी मेहनत से तो इंदौर ने कई सारे अच्छे रिजल्ट्स देखे थे जी। अभी जो नई कमिश्नर आई हैं उनकी कार्यप्रणाली भी बहुत अच्छी है, नए नवाचारों के साथ, इनोवेशंस के साथ जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़े परिणाम मिलेंगे इंदौर को ऐसा माना जाए? निश्चित तौर पर, सोलर और डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर इंदौर देश भर में बहुत नाम कमाएगा। चलिए, जाते जाते चुनावी साल है, ऐसी घड़ी है जब इम्तिहान होता है एक बड़े राजनीतिक दल का, आपकी पार्टी का भी ये इम्तिहान आने वाला है, क्या इंदौर की जनता के लिए मैसेज होगा उनके महापौर पुष्यमित्र भार्गव? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में, कार्यकर्ता भाव वाली सरकार ने मन से भाव से लोगों की सेवा की है। मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेश की ओर ले जाने का काम किया है,
युवाओं का, महिलाओं का, सीनियर सिटीजन्स का सम्मान स्थापित करने का काम किया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि 2018 की जो छोटी सी गलती हुई थी, मुझे विश्वास है उसको हम नहीं दोहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन वाली, विकास वाली सरकार ही मध्य प्रदेश में आएगी, ऐसा मुझे 100% विश्वास है। चलिए, बड़ी बात है। ऐसा माना जाता है कि संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का अपना अलग महत्व होता है, और हमारे इंदौर के मेयर स्मार्ट मेयर हैं, इंटर्नशिप में विथ मेयर का फॉर्मूला भी लाए हैं, लिहाजा वर्बल के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी मास्टर कहे जाते हैं। शायद यही वजह है कि वो करके दिखाने में विश्वास करते हैं कहने की बजाय, और आज के दौर की राजनीति में एक नया अध्याय, एक नई परंपरा की वो शुरुआत करने के लिए अपने कदमताल रफ्तार के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि इंदौर ना केवल वाइब्रेंट इंदौर बल्कि पूरे वर्ल्ड में छा जाए और हमारे भारत का मान लगातार बढ़ाता जाए, इस दिशा में अपने नित नए कदम बढ़ाता रहेगा। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।